उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में आरटीओ अचानक पहुंच गई। उनके वहां पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई। कार्यालय में भी बाबू कर्मचारी व्यवस्था दुरुस्त करते नजर आए। वहीं आरटीओ दफ्तर में घूम रहे दलालों में हड़कंप मच गया। आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह ने कार्यालय के जरूरी दस्तावेज व कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली, जिसके बाद आरटीओ ऑफिस में होने वाली नीलामी में भी उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी मौजूदगी में अलग अलग थानों में खड़े 15 वाहनों की नीलामी भी कराई। काफ़ी शिकायतें पराली जलने की आ रही थी और दो दिन से थोड़ा सा यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी थोड़ा सा हमारे यहाँ गिरावट हुई थी, जिसके क्रम में जब हम लोगों ने उसका सत्यापन किया तो काफ़ी जगह पराली जलने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें कार्रवाई भी हुई। परंतु कार्रवाई जो है हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसी के संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए जो प्रशासन ने चॉइस दी है, वो समझाने के लिए कि पराली प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, किसान नेताओं के साथ आज हम लोगों ने बैठक करी, उनको बताया कि किस प्रकार से वो अपने ही खेत में या फिर सार्वजनिक भूमि पे प्रधानों के माध्यम से वहाँ पे गड्ढा खुदवा के पराली को हम लोग खाद में कन्वर्ट करके लोकल स्तर पे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, और जो अतिरिक्त पराली है उसको हम लोग गौशालाओं तक ले जाएंगे, जिसके लिए ग्राम निधि का उपयोग किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के। तो ये हमने प्रधानों को और अपने सेक्रेटरीज को हम लोग और जो मनरेगा के हमारे TAs हैं, इन सबको पहले हम बता चुके हैं। इस पे हमारे यहाँ कार्य भी चल रहा है, परंतु हमारे कृषकों को, किसान, छोटे किसान भाई, बृहद किसान भाई, सब लोगों को ये हमारा सहयोग करना, एक टीम भावना से हमें परिवार की तरह से काम करना है इसको लगाम लगाने के लिए। इसके लिए आज बैठक करके उनको बताया गया और अपना मैसेज हमने उनको दिया है। वेस्ट डिकम्पोजर है ये पराली प्रबंधन के लिए बहुत ही कारगर है। इसको करना क्या है कि 200 लीटर ड्रम में पानी ले लिए, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दिए। इसके बाद इस वेस्ट डिकम्पोजर को इस तरह से खोल के, ये फंगस का पूरा कल्चर होता है, किसी लकड़ी के सहारे पूरा खुरच के उस पानी में डाल दिए। फिर एक बड़ी सी बांस की या कोई लकड़ी लेके उसको अच्छे से जो ड्रम में पानी है उसको चला दिए। फिर इसको हमने ढक दिया, किसी टाट के जूट वाले बोरे से ढक दीजिए इस तरह से। फिर अगले दिन उसको चला दीजिए, 4-5 दिन में पूरा भूत उसके अंदर भर जाएगा। उसी में से हम 20 लीटर कल्चर के रूप में दोबारा जामन की तरह अलग रख लें। शेष जो हमारा 180 लीटर है उसको जो पराली किसी गड्ढे में या उसका ढेर बना के उसको तह लगा के उसमें 60% नमी हो उस पर छिड़क के छोड़ दें। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि हम करते हैं तो ये हमारा 45 दिन में जितना हमारा वेस्ट रहेगा, चाहे वह धान की पूरा पराली हो, मक्के का अवशेष हो, फसल का कोई भी अवशेष हो, बायो, वो सब का सब डिकम्पोज करके अच्छी खाद बन जाएगी, जिसको किसान भाई ले जाके अपने खेत में प्रयोग कर देंगे। पोल्यूशन भी नहीं होगा, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी उर्वरक की लागत भी कमी आएगी और खेती अच्छी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.